गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर बालवीर सिंह तोमर नसरुल्लागंज गोंडी धर्मशाला स्थल पहुंचे। वहीं नगर व क्षेत्र के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों से मुलाकात की और आगामी 2023 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने का साथ नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें ब्लॉक एवं जिले के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए आगामी चुनाव के विषय में तैयारी पर चर्चा की। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। और बेटा आप लोग भी ऐसे हैं। आज सभी समाज के लोग एकत्रित हुए, किस प्रकार का क्या गठन किया जा रहा है? आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो हमारे अभी नव नियुक्त जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के और युवा मोर्चे के, तो उनके आज सभी क्षेत्र के लोग आके यहाँ पर एक बजे तक सभी लोग एकत्रित हो जाएंगे और यहाँ पर पूरे सीहोर जिले की जिला कार्यकारिणी गठित की जा रही है और ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्ति जा रही है, उसको लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज नसरुल्लागंज में आके और सभी समाज के बीच में, समाज के जो युवा पीढ़ी है, जैसे अभी युवा मोर्चे के हमारे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति अभी नई नई हुई है तो उनका भी पूरा खाली पड़ा है, तो युवा मोर्चे का, महिला मोर्चे का और मेन पार्टी का ये आज हम लोग यहाँ पर गठन करेंगे। इनमें जाए जिले के उपाध्यक्ष हैं, जिले के महामंत्री हैं, जिले के सचिव हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, ब्लॉकों तक हम लोग आज यहाँ पर गठन करके और उनको जिम्मेदारी दे देंगे ताकि आने वाले विधानसभा मिशन जो 2023 है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, उसको सफल बनाने के लिए ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने बूथ स्तर पर अपने अपने मेहनत करेंगे। उसके लिए आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सीहोर जिले के जिला कार्यकारिणी का गठन करने जा रहे हैं। धन्यवाद।